आप सभी में से बहुत से लोगों के पास 5G के मोबाइल होंगे और दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के पास 4G फोन भी होंगे, लेकिन दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे 5G मोबाइल तो है लेकिन 5G का इंटरनेट नहीं है। और दोस्तों आप 5G का अगर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अगले महीने से अक्टूबर से आपको 5G की सर्विस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दरअसल दोस्तों इसकी जानकारी टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी ने पहले ही दे रखी है। दरअसल 1 अक्टूबर 2022 से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो रही है और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G को रोल आउट करेंगे। दरअसल इसकी जो जियो और एयरटेल है इन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं और VI का कहना है कि वो अभी आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने कस्टमर के रिव्यू के बिहाफ पर इसको लॉन्च करेंगे। दरअसल दोस्तों जो जियो और एयरटेल है इन्होंने अभी अपने रिचार्ज प्लान की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दिवाली से पहले आपको जियो और एयरटेल के 5G के प्लान और वैलिडिटी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। दरअसल 5G में आपको 4G की अपेक्षा बहुत कुछ अधिक मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों जो 5G की स्पीड होगी वो आपके 4G के 10 गुना अधिक होगी। और दोस्तों आप कोई भी फिल्म मूवी या फिर सॉन्ग डॉक्यूमेंट आप चुटकी में डाउनलोड कर लेंगे। दरअसल जो आपको 5G की स्पीड मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। दरअसल दोस्तों आपको सबसे पहले ये जो 5G की शुरुआत होने वाली है वो बड़े शहरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सबसे पहले की जाएगी। उसके बाद जियो का कहना है कि वो फिर 2 साल के अंदर ही वो देश के कोने कोने में 5G सर्विस को पहुँचाएंगे। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में कि 5G से आपको कितना लाभ होने वाला है या फिर आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।